तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ओटीएस स्थित सीएम आवास पर जनसुनवाई शुरू। सीएम आवास जो कि अस्थायी रूप से है ओटीएस में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसुनवाई कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह जब से मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा जनसुनवाई करते आ रहे हैं। सुबह से ही दौर शुरू हो जाता है। ओटीएस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस तरीके की तस्वीरें लगभग रोज सुबह आती है और आज की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जब जनसुनवाई के दौरान काफी संख्या में लोग पहुंचे। तो इस तरीके की तस्वीरें रोज सुबह नजर आती है जब जनता पहुंचती है दरबार पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, अपनी समस्या उन तक पहुंचाने के लिए। जरा देखिएगा इस तरीके की तस्वीरें जब युवा भी पहुंचते हैं, बुजुर्ग भी पहुंचते हैं। हालांकि बधाई देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। वो लोग जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर उनको बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देने चाहते हैं, नए साल की भी बधाई देना चाहते हैं, वो लोग भी पहुंचते हैं। और ऐसे में अपने नए मुखिया से, जो कि कहा जाता है कि आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए आम इंसान पहुंचने की कोशिश कर रहा है अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी पहचान अब आम आदमी के मुख्यमंत्री के रूप में हो चुकी है।